एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, एक्चुअली अभी मैं शूट कर रही हूँ तो ये आपको ब्लॉग मिलेगी कल ही आप लोग को दे दूंगी। तो एक्चुअली आज हमारा है फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि एक साल कैसा पार हो गया एकदम पता नहीं चला। आपको पता चला? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा एक साल हो गया आज का फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी और हमें एकदम भी पता नहीं चला कि कैसे, मतलब कि कैसे पार हो गया। हमें लग रहा बदल गया, हालात बदल गया एकदम से। तो भाई वक्त हालात सब, मतलब इसका बोलने का मतलब क्या नहीं पता कुछ मतलब कुछ भी बोल देते हैं फिर। ठीक है, एनीवे, बट आज हम निकले हैं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में और मिस्टर हस्बैंड आज मुझे थोड़ा बोले कि चलो लेके चलता हूँ, थोड़ा कहीं घूमेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी चीज एंजॉय करूँ, कहीं भी एंजॉय करूँ तो मैं आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो बस एक यही मोटिव है कि मैं अभी जो शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर चैनल नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, इससे हमारी ब्लॉग की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा वो हिल रहा था, ज़िगज़ैग रोड। तो मिस्टर हस्बैंड बोल रहे कि थोड़ा सा गाना। ठीक है, ओके गाइस, आप लोग इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए और हम गाने का मजे ले रहे हैं और जो क्या बोलते हैं ट्रिप, रोड ट्रिप का मजे ले रहे हैं। तो मिलते हैं, मिलते नहीं मतलब इस ब्लॉग में बने रहिए। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी हम कहीं रुके हुए हैं और एक मैं आपको दिखाती हूँ पीछे में बैठ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये टेस्ट राइट कैफ एंड रेस्टोरेंट है और हम यहाँ रुके हैं बिकॉज भूख लग रही है ना, तो थोड़ा सा सोचे कि जाके तो खाना ही है बट थोड़ा सा ऐसे ही स्नैक्स टाइप का, तो इसलिए हम थोड़े रुके हैं और मिस्टर हस्बैंड जाके ऑर्डर दे के आए हैं। तो वेट करें कि क्या ऑर्डर दे के आए हैं बिकॉज भूख भी लग रही है और होता है जब भूख लगे तो, और राइड हम लोग कहीं रोड ट्रिप में ही जाए और स्नैक्स हो तो मज़ा आ जाता अलग ही। तो बस वही कुछ है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो आप ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हम यहाँ वेट कर रहे थे और कि कुछ स्नैक्स आ जाए और हमारा स्नैक्स आ गया टेस्ट राइड कैफे एंड रेस्ट्रो का। तो मिस्टर हस्बैंड क्या ऑर्डर किया अब जब खोलोगे तो पता चल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लाइट थी स्नैक्स। तो फिर चलो देखते हैं कि क्या है, बहुत जोर भूख भी लग रही है, बहुत भयानक। तो फिर देखते हैं क्या है और इंजॉय करते हैं, खाते हैं। तो ये है हमारा रोल, वाह ये देखो एकदम चीज़ी रोल है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस एकदम लाइट वाला खाना, अभी हमें कॉज जाना ही है तो इसलिए बस खाते हुए जाना है और कुछ नहीं। बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा लेट करता बनाने में बट टेस्टी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेहता, क्या नाम है इसका, मेहता रेस्टोरेंट, मेहता ढाबा, मेहता ढाबा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये लिटरली में बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी हम आ गए हैं रिजॉर्ट मेहता ढाबा, मेहता ढाबा एंड रिजॉर्ट। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे और इसका व्यू गाइस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हो पूरा पीछे, और पूरा पीछे माउंटेन होगा, आप लोग देखो।
तो लिटरली बहुत अमेजिंग है. और यहाँ पे जो सन का जो रे आ रहा है ना यहाँ पे, ओ माय गॉड, वन ऑफ द बेस्ट. तो अभी मिस्टर हस्बैंड गाड़ी पार्क कर लिए हैं और अभी हम जाएंगे आगे. और बहुत ही अमेजिंग सा रिजॉर्ट है ये, मेहता का ढाबा. और यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज आते हैं, कपल्स आते हैं, तो आप लोग एकदम आओ, बहुत मज़ा आएगा. तो आइए देखते हैं यहाँ पे मिस्टर हस्बैंड. एंड आज का जो दिन है ना, लिटरली बहुत ही अमेजिंग सा दिन है, बिकॉज हमारी एनिवर्सरी है ना. अच्छा आए तो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये हमारा आ गया है एपी फीज और ये मेरा कैनबेरी जूस. और अभी हम स्टार्टिंग करते हैं अपना एनिवर्सरी का चेस करके. Cheers. Okay guys, तो हमारा हो गया. और यहाँ पे हमारा आया है अभी चिकन लॉलीपॉप, जो कि मैं दिखाती हूँ आप सभी को. हमारा फ्रूट सैलेड भी है, बन बनो. कैसा लगा? Outstanding. Taste कैसा है? थोड़ा मीठा. Delicious. बहुत अच्छा. हल्का तीखा, हल्का मीठा. हल्का तीखा, मीठा और spicy. बहुत अच्छा. तो अच्छा है ना? चलो. हमने सारे स्टार्टर्स की बात लिया मेन कोर्स में, प्लेन राइस और स्पेशल मटन, जो कि मेहता का ढाबा का सबसे स्पेशल मटन है. और ये लिटरली में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत टेस्टी. मतलब एक होता ना सेटिस्फेक्शन, बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना था यहाँ का. और यहाँ पे सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, मतलब जो जो यहाँ पे आए थे ना, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे. रेस्टोरेंट रिजॉर्ट बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग. फिर सारा खाना पीने के बाद हमने आइसक्रीम लिया, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी. वाह. ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी हमारा खाना पीना सब कंप्लीट हो गया है और अभी हम घर के लिए निकलेंगे. एंड ये रिजॉर्ट जो है ना, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग रिजॉर्ट है. मैं तो बोलूँगी अगर आप लोग रांची से हो या फिर रांची से नहीं हो तो आप लोग फिर भी आओ यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आएगा. और ये रिजॉर्ट मैं खा के देगा आपको. मेहता बाहर यहाँ पे है और ये मेहता रिजॉर्ट है, तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे. तो आप लोग भी आओ एक बार. और अगर कैसा लगा मतलब रिजॉर्ट कैसा लगा, ब्लॉग कैसी लगी, मेक श्योर एक कमेंट ज़रूर करना. तो चलिए देखते हैं.